अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेसन टीचर्स। हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एन एक्सरसाइज प्रेजेंट ऑन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो मौजूद है ये पेज 97 पर, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की मिक्स एक्सरसाइज है। तो इससे पहले अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट के टेंस वाली वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। That video will be very beneficial to you because some helping verb, main verb, rules and regulations, इस सारी बातें उस वीडियो में डिस्कस की गई हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। नंबर वन सेंटेंस है, उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की। They did not accept our invitation। नंबर टू है, क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद दी? Did your friend congratulate you on your success? Next है number 3, कमरे में झाड़ू किसने दिया? Who did sweep in the room? Next है number 4, उन्होंने तुम्हारा इस्तकबाल कैसे किया? How did they welcome you? Next है number 5, क्या तुम्हारे दोस्तों ने ये खेल पसंद किया? Did your friends like this game? Next है number 6, उसने अपनी तमाम जायदाद फरोख ना की। He did not sell all his property. Next है number 7, बावर्ची ने चावल किस तरह पकाए? How did the cook cook the rice? यहाँ पर जो first cook है ये बावर्ची है, एंड नंबर सेकंड पे जो कुक यूज़ किया गया है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है पकाना। नेक्स्ट है नंबर 8, मैंने अपने वालिद को हवाई डाक से खत ना भेजा। आई डिड नॉट सेंड लेटर टू माई फादर बाय एयर मेल। एयर मेल होता है हवाई डाक से। नेक्स्ट है नंबर 9, क्या ऑफिसर ने अपने चपरासी को तब्दील ना किया? Did not the officer change his pion? Next है number 10, मजीद ने दोनों हाथों से दौलत क्यों उड़ाई? Why did Majid burn the candle at both ends? ये phrase है to burn the candle at both ends, मतलब इसका के दौलत लुटाना, दोनों हाथों से दौलत लुटाना। Next है number 11, क्या मजिस्ट्रेट ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया? Did magistrate catch him red-handed? Phrase है red-handed, मतलब इसका होता है रंगे हाथों पकड़ना। Next है number 12, हवाई जहाज अड्डे पर कब उतरा? When did airplane land on the airport? Next है number 13, क्या तुमने प्रवास से लुत्फ उठाया? Did you enjoy the flight? Number 14, मालगाड़ी मुसाफिर गाड़ी से कहाँ टकराई? Where did freight train collide the passenger train? ये freight train होता है मालगाड़ी। आखिरी जुमला इस एक्सरसाइज का नंबर 15, तुमने मुझे फैसले से आगाह ना किया। You did not inform me of the decision. तो 15 फिक्रों की हमने ये एक्सरसाइज देखी पास्ट इंडेफिनिट की। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा। तो मेरे चैनल लेसन टीचर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।